नमस्कार। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी डिश शीर खुरमा। इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध या प्लेन दूध भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे अमूल का प्लेन दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने लिया है बारीक वाली सेवई 1/2 कटोरी। ड्राई फ्रूट में हम डाल रहे हैं पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, साथ ही मखाना। ये सभी हमने 50-50 ग्राम लिया है। आप चाहें तो इसकी भी क्वांटिटी थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। इस डिश को खास ईद के मौके पे बनाया जाता है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं शीर खुरमा। इसके लिए दूध को चौड़े वाले बर्तन में हमने पकाने के लिए रख लिया है। दूध को हमें गाढ़ा करना है, जैसे हम खीर बनाने के लिए दूध को पकाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसे हम गाढ़ा होने के लिए रख देंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और साथ ही साथ इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध को गाढ़ा होने में 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अब दूसरे बर्नर पे बहुत ही कम हमने घी गर्म करने रख लिया है। सभी ड्राई फ्रूट को और सेवई को हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। सेवई को रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। सेवई को हल्का सा हमने घी में रोस्ट कर लिया है, इसे बाउल में वापस निकाल लेंगे। उसी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी और लेंगे और इसमें हम काजू, बादाम और मखाने को हल्का सा भून लेंगे। किशमिश और पिस्ते को हमने ऐसे ही रख लिया है बिना भूने, हल्का सा भून लेते हैं। ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, तो गैस बंद करके इसे भी बाउल में निकाल लेंगे। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है, अब इसमें जो हमने सेवई ली है भून के उसे डाल लेंगे। डाल के फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे फिर से इसे चम्मच चलाते हुए हमें गाढ़ा कर लेना है। सेवई डालने के बाद इसे 15 से 20 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से पका लिया है हमने। इसमें डाल देंगे चीनी, डाल के अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, ये ऑप्शनल है, केसर वाला दूध। शक्कर को मेल्ट होते तक और 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। शीर खुरमा बनके तैयार है, गैस बंद कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1/2 ड्राई फ्रूट और डाल के अच्छे से मिला लेंगे। 1/2 को हम गार्निश के लिए रखे हैं, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट शीर खुरमा बनके तैयार है। इसे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज जायके विद कुलेश में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।